गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो देखिए, थ्योरम हमारे पास लेट एफ न्यू पी एंड एफ न्यू पी डैस बी द हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर न्यू ऑफ फंक्शन। दे रखा है हमारे पास एफ एक्स एंड एफ डैस एक्स रेस्पेक्टिवली। देन एच न्यू एफ डैस एक्स पी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एफ न्यू पी डैस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन टू म्यू न्यू माइनस सॉरी न्यू प्लस वन एफ न्यू माइनस वन पी माइनस न्यू माइनस वन एफ न्यू प्लस वन पी। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसे प्रूफ करने के लिए क्या हम एच न्यू एफ डैस एक्स पी लेके चले। तो देखिए, एच न्यू एफ डैस एक्स पी इज इक्वल टू एफ न्यू पी डैस लिख सकते हैं हम यहाँ पर। इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए पैरामीटर पी है, ऑर्डर न्यू है और वेरिएबल एक्स है, तो परमियल आ जाएगा एक्स न्यू जे न्यू पी एक्स और एफ डैस एक्स डी एक्स। तो एफ डैस एक्स को लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से इसका सॉल्व कर दे, इसका इंटीग्रेशन कर दे। तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड। तो देखो, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव का साइन हट गया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव और पूरे का होल इंटीग्रेशन, क्लियर है। अब देखिए, इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम से ये तो जीरो हो जाएगा भाई, एक्स एफ एक्स फंक्शन है ना हमारे पास। तो यहाँ पर एक्स एफ एक्स जीरो होगा कब, जब एक्स बराबर जीरो एंड एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास जीरो हो गया। अब माइनस एफ एक्स और हमारे पास बच गया डी अपॉन डी एक्स एक्स जेन्यू पी एक्स। हमने पढ़ा है भाई, एक्स जेन्यू पी एक्स को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको u into v से डेरिवेटिव कर दीजिए भाई। x का भी डेरिवेटिव है, gnu px का भी डेरिवेटिव है। तो x को gnu px को as it is रखा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को as it is रखा और डेरिवेटिव ऑफ gnu px और बाहर आ जाएगा dx। अब देखिए, रेफरेंस रिलेशन पढ़ा हमने भाई, d अपॉन में x d अपॉन dx gnu x या gnu px x gnu minus 1 x माइनस का न्यू जे न्यू ऑफ x, ये पढ़ा x जे एन माइनस वन माइनस का n जे एन ऑफ x, क्लियर है। बट यहाँ पर x की जगह क्या है हमारे पास, px है, तो px पुट कर देंगे। तो देखिए, px यहाँ पर px रखेंगे, यहाँ पर px, तो pdx हो जाएगा, p से p कैंसिल हो गया। तो x d upon dx जे न्यू px, px जे न्यू माइनस वन px माइनस का न्यू जे न्यू ऑफ px, क्लियर है। तो इस वैल्यू की जगह हम ये रख सकते हैं, और जेन्यू पी एक्स पहले से है तो ये ऐड कर दिया। तो जेन्यू पी एक्स यहाँ से देखिए, जेन्यू पी एक्स को कॉमन ले रहे हैं तो माइनस भी कॉमन ले लिया, तो जे न्यू माइनस वन भाई यहाँ पर देखिए न्यू माइनस वन हो गया ना ये फर्स्ट और लास्ट टर्म में, और जेन्यू पी एक्स प्लस पी एक्स जे न्यू माइनस वन पी एक्स, ये वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। तो माइनस माइनस के कारण ये तो प्लस हो गया और नेक्स्ट वाली टर्म माइनस हो जाएगी बाहर वाले के कारण। तो एफ न्यू पी डैश न्यू माइनस वन जीरो टू इनफाइनाइट एफ एक्स जे न्यू पी एक्स डी एक्स माइनस का पी जीरो टू इनफाइनाइट एफ एक्स एक्स जे न्यू माइनस वन पी एक्स डी एक्स। अब देखिए, हम जानते हैं रेफरेंस रिलेशन से टू एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन एक्स प्लस जे एन प्लस वन ऑफ एक्स। यही क्यों लिया, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। देखिए, तो टू न्यू जे न्यू पी एक्स, एक्स की जगह पी एक्स पुट कर दो, तो पी एक्स में पी एक्स आ जाएगा पूरी वैल्यू की जगह। ये वैल्यू उठा करके भाई देखो, टू न्यू जे न्यू पी एक्स, तो जे न्यू पी एक्स है हमारे पास, तो ये टू न्यू अपॉन में चले जाएगा। तो देखिए, न्यू माइनस वन और पी को भी बाहर ले लिया यहाँ से, और अपॉन में टू न्यू। बचना क्या है, देखिए न्यू माइनस वन पहले से था तो न्यू माइनस वन, यहाँ से ये अपॉन में देंगे तो p अपॉन में टोन न्यू बाहर आ गया। बच रहा क्या है, x बच रहा है ना, तो देखिए x fx हो जाएगा और जेन्यू पी एक्स की जगह x fx और जेन्यू पी एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, कॉमन ले ली ना हमने, तो जेन्यू माइनस वन पी एक्स प्लस जेन्यू प्लस वन पी एक्स और बाहर डी एक्स माइनस का p न्यू माइनस वन, और इसकी जगह भी देखिए जेन्यू माइनस वन है ना, तो न्यू माइनस वन की जगह यहाँ पर एज इट इज, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए माइनस का पी एज इट इज और जीरो टू इनफाइनाइट एफ एक्स एक्स एफ एक्स एक्स और जे न्यू माइनस वन पी एक्स डी एक्स, क्लियर है। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो देखिए पी न्यू माइनस वन अपॉन टू न्यू जीरो टू इनफाइनाइट
एफ एक्स एक्स जे न्यू प्लस वन पी एक्स डी एक्स, पहले न्यू प्लस वन को रख लिया, फिर माइनस, अब देखिए न्यू माइनस वन और ये भी न्यू माइनस वन है, तो दोनों में से कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस पी पी प्लस वन अपॉन टू न्यू हो जाएगा ये, भाई दोनों में से कॉमन आएगा ना ये, और अपॉन में टू न्यू और जीरो टू इनफाइनाइट एफ एक्स एक्स जे न्यू माइनस वन पी एक्स डी एक्स। यहाँ पर देखिए p न्यू माइनस वन अपॉन टू न्यू तो एज इट इज, क्या हम इसको f न्यू प्लस वन लिख सकते हैं, f न्यू प्लस वन p। सिमिलरली इसको p p प्लस वन अपॉन टू न्यू एज इट इज और f न्यू माइनस वन p लिख सकते हैं इसको। तो क्या हमारे पास यही वैल्यू थी का, देखो माइनस का p अपॉन टू न्यू को बाहर निकाल लो, माइनस p अपॉन टू न्यू, p प्लस वन न्यू माइनस का वन पी, देखिए यहाँ पर न्यू प्लस वन आ रहा है, क्लियर है, अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, तो न्यू प्लस वन एफ न्यू माइनस वन आ रहा है एज इट इज, माइनस न्यू माइनस वन और एफ ऑफ न्यू प्लस वन पी एज इट इज आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये न्यू आएगा न्यू प्लस वन, क्लियर है, तो ये दोनों वैल्यू आ गई एज इट इज। अब इसके आगे देखिए हमारे पास अगर हम न्यू की वैल्यू वन ले लें तो यहाँ पर जैसे वन पुट करेंगे तो f1 p डैश या फिर f1 डैश p इज इक्वल टू माइनस का p f0 ऑफ p, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हमें प्रूफ तो यही करना था, बट अगर न्यू की वैल्यू वन दे रखा है और ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्लियर है, तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसी की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट h न्यू f डबल डैश x p, पहले f डैश x p के लिए निकाला है, अब डबल डेरिवेटिव के लिए या फिर एफ न्यू डबल डेरिवेटिव ऑफ टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई फोर न्यू प्लस वन अपॉन में न्यू माइनस वन एफ न्यू माइनस टू पी माइनस टू न्यू स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन में न्यू स्क्वायर माइनस वन एफ न्यू पी प्लस न्यू माइनस वन अपॉन न्यू प्लस वन एफ न्यू प्लस टू ऑफ पी। अब देखिए स्टूडेंट्स इसे प्रूफ करने के लिए क्या हम रिप्लेस करते हैं एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स इन दिस इक्वेशन, भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरम प्रूफ की थी एफ न्यू पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन टू न्यू न्यू प्लस वन एफ न्यू माइनस वन पी माइनस न्यू माइनस वन एफ न्यू प्लस वन पी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। इस फर्स्ट में देखिए जैसे ही हम डेरिवेटिव कर देंगे इस पूरी इक्वेशन का तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ न्यू डबल डेरिवेटिव ऑफ पी माइनस पी न्यू प्लस वन अपॉन टू न्यू एफ न्यू माइनस वन डैश पी, भाई क्या किया हमने एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स, तो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डेरिवेटिव था ये सिंगल डेरिवेटिव, इसमें डेरिवेटिव नहीं है क्योंकि एफ एक्स है, तो यहाँ पर एफ डैश हो जाएगा, यहाँ पर एफ डैश हो जाएगा, तो एफ डैश न्यू माइनस वन पी हो जाएगा और ये हमारे पास न्यू माइनस वन अपॉन टू न्यू एफ डैश न्यू प्लस वन पी हो जाएगा, क्लियर है, ये इक्वेशन आ गया। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए एफ डैश न्यू माइनस वन की एफ डैश न्यू प्लस वन की, तो क्या हम इस इक्वेशन में न्यू की जगह न्यू माइनस वन रिप्लेस कर दे एक बार न्यू प्लस वन रिप्लेस कर दे, तो न्यू माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पर माइनस वन न्यू हो जाएगा और यहाँ पर न्यू माइनस वन हो जाएगा न्यू माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पर न्यू माइनस टू अपॉन टू न्यू माइनस वन एफ न्यू ऑफ पी, न्यू प्लस वन रिप्लेस कर देंगे तो न्यू की जगह न्यू प्लस वन आ जाएगा पूरी में, क्लियर है, और दोनों इक्वेशन को उठा के इसमें रख देंगे यहाँ पर दोनों इक्वेशन को, देखिए ये न्यू प्लस वन अपॉन टू न्यू एज इट इज और ये मल्टीप्लाई में एफ न्यू माइनस वन डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई माइनस न्यू माइनस वन अपॉन टू न्यू और ये एफ न्यू प्लस वन डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब इनको सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, भाई मल्टीप्लाई करना है एज इट इज, ये हमारे पास ये कंप्लीट प्रूफ हो गया इसका। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक ऑपरेशनल प्रॉपर्टी ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन, थ्योरम दे रखा है शो दैट एच न्यू डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एफ पी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एफ न्यू पी, ये हमें प्रूफ करना है। वेयर एफ न्यू पी इज द हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर न्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पर एफ न्यू पी हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्म है जिसका ऑर्डर है न्यू और किसका फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन का, क्लियर है। अब देखिए बाई डेफिनेशन भाई हम यहाँ से लिख सकते हैं एच न्यू लेफ्ट पार्ट लेके चलेंगे तो ये एज इट इज ले लिया, इसमें जैसे हैंकल ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो जीरो टू इनफाइनाइट, देखिए पैरामीटर पी है वेरिएबल एक्स है तो एक्स जे न्यू पी एक्स और ये पूरा फंक्शन आ गया और डी एक्स,
इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x d स्क्वायर f अपॉन dx स्क्वायर प्लस d अपॉन dx, x अपॉन में x कैंसिल हो गया, माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन x f और dx बाहर आ गया। यहां से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको डेरिवेटिव d अपॉन dx x df अपॉन dx इस वैल्यू को, क्योंकि u into v से करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन एक्स जे न्यू पी एक्स, और एफ को एफ एक्स लिख सकते हैं और डी एक्स अलग अलग कर लिया दोनों, क्लियर है। यहाँ से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन लेके इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव हट गया, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन, सेकंड को एज इट इज रख दिया। यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा इनिशियल में, अज्यूम करके चलेंगे इनिशियल में फाइनल वैल्यू थ्योरम से, तो ये तो जीरो हो गया और माइनस बार आ गया, और यहाँ से आ जाएगा एक्स डी अपॉन डी एक्स जे न्यू पी एक्स और डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस न्यू स्क्वायर जीरो टू इनफाइनाइट वन अपॉन एक्स जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, बाकी एज इट इज आ गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जीरो टू इनफाइनाइट ये माइनस है, और यहाँ पर हमारे पास जैसे ये भी माइनस है, दोनों माइनस में आ गए, क्लियर है। इसमें से और इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, देखिए, हाँ यहां से देखिए, क्या हम इस टोटल वैल्यू को इस माइनस की को भाई इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है। माइनस जीरो टू इनफाइनाइट एक्स डी अपॉन डी एक्स जेन्यू पी एक्स डी एफ अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या हम एक्स डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर जेन्यू पी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स जेन्यू पी एक्स लिख सकते हैं, बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, देखिए न्यू स्क्वायर अपॉन में x और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में जो वैल्यू हम यहाँ पर जे न्यू ऑफ पी एक्स एंड एफ एक्स डी एक्स कर लिख सकते हैं, इसको क्योंकि कॉमन ले लिया ना इंटीग्रेशन को, तो ये कैसे लिख सकते हैं ये देखिए, अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले और इसको सेकंड फंक्शन मान ले, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है ना हमें, तो देखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट माइनस तो बाहर है ही हमारे पास, इसको तो बाहर ले लिया, तो फर्स्ट मतलब कि x d अपॉन में डी एक्स और जेन्यू पी एक्स एज इट इज, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, मतलब d अपॉन में डी एक्स और फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा जो क्या था x d अपॉन डी एक्स और जेन्यू पी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब एफ एक्स और पूरे का होल इंटीग्रेशन ये डी एक्स, क्लियर है। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम से ये पार्ट तो जीरो हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स को रखा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इस डी अपॉन डी एक्स जेन्यू पी एक्स को रखेंगे, एक्स का वन हो जाएगा, तो देखिए d अपॉन डी एक्स जेन्यू पी एक्स को रखा और x का 1, एफ एक्स को बाहर ले लिया, क्लियर है। और x डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया ना इसका सॉल्यूशन, और इंटीग्रेशन को कॉमन ले लिया और माइनस न्यू स्क्वायर अपॉन x जेन्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स आ गया, क्लियर है। क्या हम यहाँ से इसको x को कॉमन लें, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन वन अपॉन x को, और ये यहाँ पर x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ये एक्स भी कॉमन आ जाएगा वन अपॉन एक्स, क्लियर है। और एफ एक्स डी एक्स, क्या देखिए हम जे नॉट एक्स सेटिस्फाई द बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन जे नॉट को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये बेसल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो क्या हम x की जगह px रिप्लेस कर दें यहाँ पर, देखिए जो हमारे पास इस इक्वेशन में x की जगह px रिप्लेस कर दें, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन में dx स्क्वायर y की जगह जेन्यू px पुट कर दें, x की जगह p से p कट गया, तो x d अपॉन dx जेन्यू px, क्लियर है, माइनस न्यू स्क्वायर जेन्यू px y की जगह, और बराबर में एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर वाई है ना, तो एक्स की जगह पी एक्स, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जेन्यू पी एक्स। क्या हम इस टोटल वैल्यू की जगह माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेन्यू पी एक्स रख दे, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में
टोटल वैल्यू की जगह माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे एनू डी एक्स वन अपॉन एक्स यहाँ पर बाहर था और एफ एक्स डी एक्स, क्लियर है। यहाँ से देखिए माइनस पी स्क्वायर को बाहर ले लिया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स जे एनू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स को हम एफ न्यू पी लिख सकते हैं। अब पर्टिकुलर केस में देखिए न्यू बराबर जीरो ले लो एक बार और एक बार वन ले लो, तो दो पर्टिकुलर केस हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है, पूछी गई थ्योरम है बहुत बार, तो ये हमें अच्छे से कंप्लीट करनी है।